सितंबर का महीना उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी का सितम ढाता है, लेकिन क्या इस बार का मौसम कुछ अलग ही संकेत दे रहा है? पहाड़ों पर बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। पश्चिमी भारत के कई इलाकों में अगर कोहरा नजर आता है तो उसके क्या मायने हैं? क्या कोरोना की वजह से लगभग 3 महीने पूरे भारत में लॉकडाउन जब रहा था, पूरी दुनिया में उसने पर्यावरण की ऐसी मरम्मत की, तो क्या उससे इस बार मौसम की अलग ही तस्वीर नजर आएगी? केदारनाथ में कुदरत की अद्भुत श्वेत सुनामी, शिरडी में पहली बार घने कोहरे के आगे सूरज हुआ मध्यम, बाबा का धाम बद्रीनाथ बन गया बर्फिस्तान, यूपी के मुजफ्फरनगर में सफेद आतंक से दहशत, ओली में आसमान से जमीन पर उतरे सफेद देवदूत, माउंट आबू में धुएं में गायब हुआ पूरा शहर, धरती के जन्नत में 0 डिग्री ने सब कुछ जमा दिया। माया नगरी में सफेद धुएं के आगे बेबस हुआ विशाल समंदर, राजधानी दिल्ली में सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया, दुर्गम बर्फीले पहाड़ों पर बीआरओ ने कीर्तिमान रच दिया। कोरोना काल में क्या मौसम का मिजाज बदल गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, आफ्टर ऑल कोरोना यू शुड हैव दिस फन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसे एटमॉस्फेयर मिलेगा, जबकि फोरकास्ट हुआ था कि -डिग्री होगा, स्नोफॉल होगा, बट उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके बहुत ही आनंद मिल रहा है, सोचे नहीं थे ये इतना बर्फ मिलेगा। क्या इस बार प्रचंड ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, इस बार अगर हर साल की तुलना की आप ठंड की बात करेंगे तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है। कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बार कोहरा पड़ना अभी जल्दी से शुरू हो गया है, इस कारण से ठंड बहुत है। एक्चुअली में 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, तो स्नोफॉल से क्या है कि इस समय ठंडी हवाएं चल रही है और सामने देखो आप सारा हिली एरिया जितना भी है वो सारा बर्फ से कवर्ड हो चुका है, तो शाम को ज्यादा ठंड होती है। क्यों कोरोना काल में मौसम वैज्ञानिकों को ठंड में आ रहे हैं पसीने? ओवरऑल ठंड के समय ठंड काफी हद तक होगा एवं सामान्य से ज्यादा ठंड रहने का उम्मीद है। तो बेसिकली आज के दिन में जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ये सब जगह रिसर्च यानी कि शोध के सहारे देखा जा रहा है कि ये एक फैक्ट है। क्या नया साल इस बार खून जमा देगा? पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है और उसका ज्यादा असर दिखाई देगा हमारा J&K और हिमाचल और उत्तराखंड पे, और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। क्या एक बार फिर मौसम वैज्ञानिकों के दावे होंगे फेल? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से सिक्किम तक, पहाड़ से मैदान तक, समंदर से पठार तक, आने वाली सर्दी की सबसे सटीक भविष्यवाणी।